बीती 21 दिसंबर को मंडी बस स्टैंड पर बम होने की झूठी अफवाह फैलाने वाले युवक ने घर पर अपनी मां के न होने के कारण ये कारनामा किया था। इस बात का खुलासा युवक ने पुलिस की पूछताछ में किया है। एसपी मंडी अशोक कुमार ने इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। युवक मंडी जिला के वलघाटी के सहल गांव का रहने वाला है। 21 वर्षीय ये युवक एमसीए की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस को जांच पड़ताल में ये भी पता चला है कि युवक ब्लू व्हेल गेम खेलता था और गेम के कारण ही युवक को साइको हो गया था। यही कारण है कि जब युवक अपने घर आया और मां को घर पर नहीं पाया तो उसने बस स्टैंड पर बम होने की झूठी अफवाह फैला दी। युवक ने अपनी मां को फोन भी किया लेकिन उसकी मां ने फोन नहीं उठाया। पहले युवक को लगा कि किसी ने उसकी मां को किडनैप कर लिया है। बाद में उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद उसकी हरकतों से परेशान होकर उसकी मां उसे छोड़कर अपने मायके जम्मू चली गई है। इसी कारण उसने बसों को रोकने के लिए बस स्टैंड पर बम होने की झूठी अफवाह फैला दी। एसपी मंडी अशोक कुमार का कहना है कि ब्लू व्हेल गेम के टास्क के साथ झूठी अफवाह फैलाने का कोई संबंध सामने नहीं आया है। वहीं युवक ने पुलिस को ये भी बताया कि वह ब्लू व्हेल गेम खेलने के साथ उसके टास्क भी पूरे कर रहा था लेकिन अधिकतर टास्क वह झूठे तरीके से पूरे करता था। हाथ काटने और फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करने का टास्क उसने झूठे तरीके से पूरा किया। नकली फोटो नेट से डाउनलोड करके उन्हें ही अपलोड कर दिया। उसने खुद को कभी शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन मानसिक रूप से वह परेशान होने लगा। घर छोड़ने का और परिजनों के साथ झगड़ा करने का भी उसने नाटक किया लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब उस पर मानसिक दबाव पड़ गया और वह इस तरह की हरकत कर बैठा। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे पता चलता है कि जो लड़का था उसको आशंका थी कि उसकी मदर उसको छोड़ के कहीं जा रही है और उसको रोकना चाहता था। कोई आपस में पारिवारिक कुछ गलतफहमी थी और उसको लगा कि अगर वो बम की अफवाह फैलाएगा तो वो उसकी मदर जा नहीं पाएगी, इसीलिए उसने ऐसी फोन करके बस अड्डा इंचार्ज को बताया। देखिए ये बात सच है कि जो हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है ये तथ्य सामने आया कि इस लड़के ने स्वीकार किया है कि ब्लू व्हेल गेम खेलता था, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि जो भी इसने फोन किया बस अड्डा इंचार्ज को बम की अफवाह फैलाने के लिए वो ब्लू व्हेल गेम का पार्ट नहीं था, उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। एसपी मंडी ने परिजनों से अपने बच्चों पर विशेष नजर रखने का आह्वान किया है ताकि इस प्रकार के गेम के कारण उनका बच्चा कोई गलत कदम ना उठा सके। अभी ये युवक पुलिस हिरासत में ही है और पुलिस इस मामले की पूरी गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। युवक से और भी पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके फ्रेंड सर्कल में कोई दूसरा युवक तो इस गेम के दायरे में नहीं आया है। यस, ये बिल्कुल सही बात है कि ब्लू व्हेल गेम्स में कुछ टास्क दिए जाते हैं तो जैसे कि हाथ पे कट लगाना, तो इस लड़के ने उसका फोटो दूसरी जगह से डाउनलोड किया और भेज दिया। ऑफकोर्स इस लड़के ने थोड़ी समझदारी का काम किया और मैं बाकी पेरेंट्स को भी यही अपील करना चाहूंगा कि भाई अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दें कि जिस तरह की घटना सामने आई है कई दफे ऐसे बच्चे बिहेव करने लगते हैं जिसको हम नॉर्मल बिहेवियर मानते हैं कि बच्चा नाराज होगा, और जैसे कि इस केस में भी सामने आया कि उसको एक टास्क दिया गया था कि वो अपने पेरेंट्स से झगड़ा करेगा, ये पार्ट था टास्क का जो इस बच्चे ने एक्सेप्ट किया है हमारी इंटरोगेशन में। तो पेरेंट्स को लगा हुआ कि बच्चा थोड़ा सिर्फ झगड़ा कर रहा है पर बेसिकली गेम का पार्ट था, और थोड़ा सा चिंता का विषय है। सारे पेरेंट्स को मैं अपील करूंगा कि इस विषय पर ध्यान दें और अपने बच्चों के अगर कोई इस तरह का बिहेवियर आ रहा है तो उसके मोबाइल फोन्स वगैरह को चेक करें, उसका जो रूटीन है डेली रूटीन उसको भी एक बार चेक कर लें कि कहीं बच्चा अचानक सुबह को जग तो नहीं रहा है या देर रात्रि को जाग तो नहीं रहा है या इंटरनेट पर कितना टाइम व्यतीत कर रहा है, स्कूल जा रहा है कॉलेज जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हम इस तरह की घटनाओं को रोक पाएंगे।